हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टेली क्लॉक। फ्रेंड्स, दीपिका काकर और शुएब इब्राहिम ने अपने नौमलूद बेटे रूहान की पहली तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी है। जोड़े ने गुज़श्ता माह अपने बेटे का इस्तकबाल किया है। वो हाल ही में NICU में दिन गुजारने के बाद रूहान के साथ घर वापस आए हैं, क्योंकि छोटा बच्चा कबल इस वक्त पैदा हुआ था। दीपिका काकर और शुएब इब्राहिम ने आखिरकार रूहान के साथ अपनी पहली फैमिली तस्वीर शेयर कर दी है। तस्वीर में हम नए वालदीन बच्चे को करीब से पकड़े हुए हैं। दीपिका अपने बच्चे को चूमते हुए जज्बाती लग रही है। रूहान का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तस्वीर में इसके नन्हे पाँव नजर आ रहे थे। सबका शुक्रिया अदा करते हुए दीपिका इब्राहिम और शुएब इब्राहिम ने मुश्तरका पोस्ट में लिखा है, रूहान को अपनी दुआओं में रखने के लिए आपका शुक्रिया। इनका जवाब देते हुए अदाकारा गौहर खान ने तबसरा किया है, बरकत हो आपको। रूहान शुएब इब्राहिम एक माह के हो गए हैं। अपने पहले बच्चे की पैदाइश का ऐलान करते हुए शुएब इब्राहिम ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज 31 जून 2023 को अली अल सुबह हमारे यहाँ बच्चे की विलादत हुई है। ये कबलस वक्त पैदाइश है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तमाम इनका बच्चा कबलस वक्त बच्चा था और इस वजह से इसकी पैदाइश के बाद इसे निगरानी में रखा गया था। अस्पताल में डिस्चार्ज होने के बाद दीपिका इब्राहिम और शुएब इब्राहिम मुंबई में अपने नौजवान बच्चे के साथ पहली बार मंजरे आम पर आए। उन्होंने अस्पताल के बाहर पोज किया, जबकि शुएब इब्राहिम ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया हुआ था। शुएब इब्राहिम ने बताया है कि दीपिका ने अपने बेटे का नाम रूहान शुएब इब्राहिम रखा है। रूहान के मायने नरम दिल और रूहानी के हैं। शुएब ने यह भी बताया कि उन्होंने नाम का फैसला दीपिका के हामला होने के एक या दो माह बाद किया था। उन्होंने मजीद बताया है कि अगर इनकी बेटी हो तो उन्होंने एक नाम के बारे में भी सोचा हुआ था। अपने खसूसी नाम के इंकशाफ के दौरान शुएब इब्राहिम ने कहा, मैडम दीपिका को ये नाम रूहान पसंद आया, इनका नाम दीपिका ने चुना था, हमें ये नाम बहुत पसंद आया और हमें इस पर यकीन था। जोड़े का कहना था कि उन्होंने नादानस्ता तौर पर रूहान को कुछ वीडियो में धुंधला दिया था। उन्होंने अभी तक अपने बच्चे का चेहरा जाहिर नहीं किया है। दीपिका इब्राहिम ने 2018 में अपने सोरल सिमर के साथी अदाकारा शुएब इब्राहिम से शादी की। शादी से पहले उन्होंने कुछ साल डेट किया। ये दोनों नच बलिए 8 में भी नजर आ चुके हैं। इस वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।